नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। राज्यसभा सदस्य शिवप्रकाश शुक्ला का बयान, बुद्धिहीन है मौलाना तौकीर रजा। कौसाम्बी जिला पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सदस्यों, पूर्व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार शिव प्रताप शुक्ला के इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तौकीर रजा बुद्धिहीन है और बुद्धिहीन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अग्निपथ पर हो रहे बवाल पर बोले कि विपक्ष युवाओं को बरगला रहा है। श्री शुक्ला परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। भरवारी कस्बे में परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में राज्यसभा सदस्य मुख्य सचेतक, भाजपा राज्यसभा पूर्व वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर और माल्यार्पण कर किया स्वागत। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सनातन धर्म की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि धर्म वही है जो दूसरों के हित में करे, हित करे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ने कहा, काहे को है भाई, जो देश में आते हैं और आक्रमण करते हैं, सोमनाथ जैसे पवित्र स्थल को तोड़ देते हैं, वो इस देश में पहले संसाधनों पर अधिकार जगाएंगे। नरेंद्र मोदी आते हैं तो राम मंदिर बनने लगता है, काशी विश्वनाथ भी पूरा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जब कोई जन कल्याणकारी योजना लाते हैं तो हिंदू में भी बांटते हैं, मुसलमान में भी बांटते हैं, ईसाई में भी बांटेंगे, जो भी गरीब है उसमें बांटेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि किसका पहले अधिकार है। आगे कहा कि जब आप अरब कंट्री में अजान देते हैं तो वाजू करते हैं, वो पानी हथेली में लेकर ऊपर करते हैं तो वाजू पूरा हो जाता है। हिंदुस्तान में तो इतना पानी है, तुम इसे काहे करते हो भाई? यहाँ तो इतना पानी है कि पूरा का पूरा नहाओ, तुमको नहाना भी अच्छा नहीं लगता और वैसी गाली देने लगते हैं। इस्लामी फोबिया हो गया है इस देश में, जाति मुगलों के टाइप में शुरू हुई, पहले तो सनातन धर्म था। इत्तेहादी मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बयान दिया था कि अगर इस्लाम को समझना है तो कलमा पढ़कर मोदी व शाह मुसलमान बन जाए। इस पर पलटवार करते हुए शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जिसको यह ना मालूम हो कि हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता, वह ही इस बात को कह सकता है। हिंदू धर्म में सभी के सुखों की कल्पना की है, ना हिंदू बना है ना मुसलमान बना है। हम जीवन पद्धति लेकर चलते हैं, एक विचारधारा लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हम जो गरीब कल्याण योजना दे रहे हैं वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी दे रहे हैं। तौकीर रजा जैसे बुद्धिहीन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, आज का कार्यक्रम था राष्ट्र के निर्माण में सनातन धर्म की भूमिका, इस विषय पर गोष्ठी थी, सेमिनार था। मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो सनातन संस्कृति रही है उसने देश को नहीं बल्कि हमेशा राष्ट्र को ही माना है। इसी नाते यहाँ कहा गया, इदं राष्ट्राय इदं न मम राष्ट्राय स्वाहा, मतलब जो भी है वो मेरा भी राष्ट्र के लिए है। तो पूरी तौर पर राष्ट्र में सनातन धर्म की जो भूमिका रही है वह जीवन पद्धति से जुटी हुई रही है और उसके आधार पर यह गोष्ठी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं वह अपने जातियों को तो माने लेकिन सबको जोड़ने के लिए माने, और उन्हीं को मान करके ही इस पूरे देश को जोड़ा जा सकता है। और जब देश जुड़ेगा तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। इस नाते कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भारत माता की जय कहा जाता है, पूरे विश्व में और कोई नहीं है। इस नाते हमारी सनातन पद्धति ये रही है, सनातन संस्कृति रही है और जोड़ने की रही है, तो सबको मिलकर के एक दूसरे को जोड़ने का काम करना चाहिए, कहीं नहीं जा सकती। देखिए, उसके लिए भारत सरकार ने, उद्योग से जुड़े हुए लोगों ने, सेना के लोगों ने उसके लाभ को बताना भी शुरू कर दिया है और निश्चित ही उससे युवाओं को लाभ है, बाद में भी उनको रोजगार मिलेगा, बाद में भी उनको नौकरी विभिन्न हुआ। अभी महिंद्रा ने कहा है कि हम उनको रोजगार देने का काम करेंगे, कुछ लोगों ने बरगलाने का काम किया है, वो पराजित हो जाएंगे और नौजवान
प्रधानमंत्री के नीतियों के साथ जुड़ करके काम करने लगेगा और अग्निपथ ये जो है अग्निमित्र की जो ये है वो आगे बढ़ता चलेगा। विपक्ष के वह लोग हैं जो भारत सरकार की सही नीतियों, जिसको यह न मालूम हो कि हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है, वही इस बात को कह सकता है। हिंदू धर्म में यह कहा गया है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने सभी के सुख की कल्पना की है, न हिंदू माना है न मुसलमान माना है, हम जीवन पद्धति लेकर के चलते हैं और वह एक विचारधारा लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि हम जो गरीब कल्याण योजना दे रहे हैं वो हिंदू के लिए भी दे रहे हैं, मुसलमान के लिए भी दे रहे हैं। तो तौकीर राजा जैसे लोगों को जिनकी बुद्धि ही नहीं है, तो ऐसे बुद्धिहीन लोगों के विषय में कोई बहुत अधिक बात कही नहीं जा सकती।